छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है। जिले की पामेड़ थाना पुलिस ने धर्मराम और चिंता बागू नदी के पास से 5 और 8 किलो के 2 IED बम बरामद किए हैं और बरामद करने के बाद उनको मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया है। बता दें कि दूसरे दिन में ये दूसरा मौका है जब पुलिस के जवानों ने इस प्रकार के IED बम निष्क्रिय किए हैं। बता दें कि कल भी इस प्रकार के IED बम पुलिस के जवानों को मिले थे और पुलिस के जवानों ने उनको निष्क्रिय कर दिया है। बता दें कि BDS टीम द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से नदी के दोनों ओर सुरक्षा कैंप लगाए गए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार आसपास के इलाकों में सर्चिंग की जा रही है। वहीं एरिया डोमिनेशन के दौरान धर्मराम और चिंताबागू नदी के पास मध्य 2 दिन में 4 IED बम बरामद किए जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस के जवानों ने इन बमों को निष्क्रिय कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर नक्सली यानी क्यों ये बम लगाए और लगातार जवान सर्चिंग कर रहे हैं इलाके में। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए विजय पचौरी जी बीजापुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी, जवानों ने 5 और 8 किलो के 2 बम निष्क्रिय किए हैं, इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, बस्तर संभाग के साथ इलाके जो है नक्सल प्रभावित इलाके हैं और नक्सलियों ने हमेशा ही जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई प्रकार के IDE लगा रखे हैं। आज भी बीजापुर जिले के पामेड़ जो इलाका है उस इलाके में जब जवान सर्चिंग अभियान पर निकले हुए थे, नक्सलियों के लगाए हुए IDE की नजर जब जवानों की पड़ी तो उस इलाके से जवानों ने बम को खोज के निकाला है और उसके बाद दोनों बम को जो 5 किलो और 8 किलो का जो IDE था, एक बड़ी घटना को रोकने के लिए जवान सुरक्षा ढंग से IDE को निकाले हैं और उसके बाद में जो है वो दूर ले जाकर के निष्क्रिय किया है। और इस इलाके की सर्चिंग की गई, मैं बता दूं कि इससे पहले भी 4 दिन के पहले जो है 2 IDE और को निकाला गया था जिसमें एक ग्रामीण जो है गंभीर रूप से घायल हुआ था नक्सलियों के लगाए हुए IDE के। हालांकि नक्सलियों के मंसूबों पर लगातार जो है जवान पानी फेर रहे हैं और इस इलाके की सर्चिंग अभियान तेज कर दी गई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए विजय जी आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर बीजापुर से जहां पर नक्सलियों के मंसूबों पर पुलिस के जवानों ने पानी फेर दिया है। जवानों ने 5 और 8 किलो के 2 IED बम बरामद किए और मौके पर ही उनको निष्क्रिय कर दिए हैं।